नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो जिन प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, चलिए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या है कि जो कंप्यूटर है इसमें जो डेटा होता है यह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है संख्या को, ऑप्शन बी है चिन्ह को, ऑप्शन सी है दी गई सूचनाओं को, और ऑप्शन डी है ए बी सी, यानी कि यह तीनों। तो इसका जो सही आंसर है वह है ए बी सी, यानी कंप्यूटर का जो डाटा होता है वह संख्या हो या चिन्ह हो या दी गई कोई सूचना हो, इन सभी को मिला के कंप्यूटर का डाटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री को डाटा कहा जाता है। ठीक है, डेटा कहा जाता है, जो भी प्रोसेस करने योग्य सामग्री होती है उस सभी सामग्री को क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। आमतौर पर बिना संसाधित किए गए डाटा हमारे लिए अनुपयोगी होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा डाटा है जो कि पूरा तरह तैयार नहीं है तो वो अनुपयोगी है। कंप्यूटर का कार्य इन असंसाधित डेटा को उसके प्रयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी जानकारियों के रूप में उपलब्ध करवाना है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए यह कच्चा डेटा मूल पाठ, अक्षरों, शब्दों, ऑडियो, वीडियो, फोटो सहित कई अन्य रूपों में उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, मूल पाठ हो, अक्षर हो, कोई भी ऑडियो हो, वीडियो हो या फोटो हो, कुछ भी हो, तो वह सब क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। कंप्यूटर में हम जितनी भी प्रकार की सूचनाएं फाइलों के रूप में, टेक्स्ट के रूप में, चित्रों के रूप में, ध्वनि या वीडियो के रूप में संग्रहित करते हैं वह सब एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। ठीक है, किसी भी प्रकार की सूचना हो, चाहे वो फाइल के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो, चित्र के रूप में हो, या ध्वनि के रूप में हो, या वीडियो के रूप में हो, वह सब क्या कहलाएगा, एक डेटा कहलाएगा। लेकिन यह डेटा कैसा होगा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा होगा। ठीक है, डेटा का न्यूनतम अर्थपूर्ण रूप सूचना या इन्फॉर्मेशन कहलाता है। विभिन्न प्रकार के डेटा को अनेकों प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा संपादित करना, संग्रहित करना और अवलोकन करने का कार्य किया जाता है। डेटा को हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में अनेक प्रकार के माध्यम से, जैसे कि इंटरनेट, यूएसबी डिवाइस, सीडी, डीवीडी वगैरह से भेज सकते हैं एवं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा के बारे में इतनी यह अन्य जानकारी थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है वह है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है डेटा को, ऑप्शन बी है संख्याओं को, ऑप्शन सी है एकत्रित डाटा को, और ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसका जो सही है आंसर है वह है सी नंबर, एकत्रित डाटा को, यानी जो एकत्रित डाटा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेशन या सूचना। ठीक है, तो कंप्यूटर में सूचना, एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। डाटा को कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस कर जरूरी जानकारी प्राप्त की जाती है और ये जानकारी ही इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना कहते हैं। सूचना को दोबारा फिर से डाटा के रूप में कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी हमारे सूचना होगा या डाटा होगा उसको कंप्यूटर के द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी टेप, या ऑप्शन डी ALU। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीपीयू का एक पार्ट क्या कहलाता है, ALU कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया और सीपीयू, इन तीनों के संयोजन से ही संपूर्ण कंप्यूटर बनता है। यानी यह एक चक्र होता है, इनपुट का, आउटपुट का और सीपीयू, इन तीनों चीज़ों को ही मिलाकर एक पूर्ण कंप्यूटर बनता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करने हेतु सीपीयू को मुख्यतः तीन इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहला है स्मृति यानी कि मेमोरी, दूसरा है नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है अंकगणितीय एवं तार्किक इकाई, जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, जो ALU के नाम से जाना जाता है। और यह जो है कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है,
वह एक डिजिटली सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, जिसका गणित और तर्क कार्रवाई करने में उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि ईडीपी क्या है। ईडीपी, तो ईडीपी जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी इसका जो आंसर सही होगा वह होगा डी नंबर का। इसके बारे में कुछ जानकारी है कि जो ईडीपी है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जिसे आज आमतौर पर आईएस यानी कि सूचना सेवा या एमआईएस प्रबंधन सूचना सेवा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यह एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, एक कंप्यूटर और उसके कार्यक्रमों द्वारा डेटा का प्रसंस्करण है, एक वातावरण जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार शामिल है। आगे बात करते हैं कि जो सीपीयू है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यह अधिकतर पूछी जाती है। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर का। अब सीपीयू जिसका कि पूरा नाम तो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसी को हम सीपीयू को ही प्रोसेसर बोल देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोल देते हैं, और सीपीयू के नाम से तो जानते ही हैं, और इसी को बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सीपीयू को, ठीक। और जो सीपीयू होता है तो कंप्यूटर से जुड़े जितने भी हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं सभी के निर्देशों को संभालता है, इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों और डाटा को प्राप्त करता है और उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। तो यह सारा काम किसका है, यह सारा काम है सीपीयू का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि एएलयू का पूरा नाम क्या है। तो एएलयू का पूरा नाम अभी हमने देखा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सीपीयू निम्न में से क्या है। चिप, ऑप्शन बी है बॉक्स, ऑप्शन सी है सर्किट, या ऑप्शन डी है पेरिफेरल। तो इसका जो सही आंसर है वह है चिप। एक सीपीयू जिसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, यह एक प्रकार की चिप होती है। आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ जानकारी है। जैसे सीपीयू एक चिप होती है यह तो पूछा ही गया था। सीपीयू का पूरा नाम अभी हमने देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का एक छोटा सा हार्डवेयर पार्ट है, ठीक है। सीपीयू काय में आता है, हार्डवेयर में आता है, और इसे हम छू सकते हैं। इसका आकार कंप्यूटर के साइज के अनुसार बड़ा अथवा छोटा होता है, ठीक है। जैसा कंप्यूटर है वैसा ही सीपीयू का आकार होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है। ऑप्शन ए आंकिक, ऑप्शन बी तार्किक, ऑप्शन सी डेटा संग्रह, और ऑप्शन डी ए सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह आंसर होगा डी नंबर, ए सभी, ठीक है। तो कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं वह होता है डेटा संकलन यानी डाटा का कलेक्शन, दूसरा काम है डाटा संचयन यानी डेटा स्टोरेज, क्वेश्चन थ्री इसका तीसरा काम है डेटा संसाधन यानी कि डेटा प्रोसेसिंग, और चौथा है डेटा निर्गमन यानी कि डाटा आउटपुट। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है। तो अभी हमने देखा था कि जो कंप्यूटर का दिमाग है वह कहलाता है सीपीयू। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क कौन स्थापित करता है। तो वीडीयू और जो कीबोर्ड है इसके बीच में जो संपर्क स्थापित करता है वह स्थापित करता है सीपीयू, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।